हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं एक वर्सेस बैटल, और ये वर्सेस बैटल थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं दो मैजिकल बुक्स को, जो कि हैं बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो एंड डार्क होल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो एक एंशियंट बुक है स्पेल्स की, जो कि रखी होती है एंशियंट वन के प्राइवेट कलेक्शन में। ये बुक मेनली फोकस करती है मिस्टिसिज्म के डार्क साइड पर, और काइसिलियस ने इसी बुक के रिचुअल को पढ़कर डोरमामू से कॉन्टैक्ट भी किया था, एंड फिर उसने डार्क डायमेंशन से एनर्जी ली। हिस्ट्री तो होता यह है कि काइसिलियस की वाइफ एक सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसीज के चलते मर जाती है, और उसकी वाइफ के साथ उसके सन की भी डेथ हो जाती है। इससे काइसिलियस काफी ज्यादा दुखी होता है, और अपने इस दुख को कम करने के लिए वो ज्वाइन करता है मास्टर्स ऑफ मिस्ट्री कार्ड्स, जिसकी लीडर होती है एंशियंट वन। एंशियंट वन जो कि उससे प्रॉमिस करती हैं कि वो उसकी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज को बढ़ाने में उसकी मदद करेंगी, जिससे वो अपने पेन को ओवरकम कर पाए। यहाँ पर काइसिलियस काफी कुछ सीखता है और एक टैलेंटेड मिस्टिक आर्टिस्ट भी बनता है, बट उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जो भी है वो बहुत ही कम नॉलेज है। इसके चलते वो ये फील करने लगता है कि एंशियंट वन ने उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं दी, और इसका आंसर ढूंढने के लिए वो अपनी ही एक टीम बनाता है जिसका नाम होता है जियोलॉट्स, जो कि उसकी हेल्प करते हैं बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो में लिखे रिचुअल्स को परफॉर्म करने में। काइसिलियस जियोलॉट्स जाते हैं कामरताज लाइब्रेरी बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को चुराने की इंटेंशन से, ताकि वो डोरमामू को अर्थ पर बुला सकें। यहां के लाइब्रेरियन को वो अपने साइड डैगर से बीहेडेड यानी उसका सर काट देता है, साथ ही बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के उन पेजेस को फाड़ लेता है जो कि उसके प्लान को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। काइसिलियस उस रिचुअल को परफॉर्म करता है जो कि बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो में दिए गए हैं, जिससे उसे और जियोलॉट्स को डार्क डायमेंशन से पावर मिलती है। इसी पावर के चलते उनकी आई के अराउंड एक डार्क पर्पल आउटलाइन फॉर्म होने लगती है। डार्क डायमेंशन से पावर मिलने के बाद उनके पास कुछ नई एबिलिटीज आती हैं, जिससे वो मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स को डिफीट करते हैं और सैंटम सेंटोरम को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि डोरमामू अर्थ पर आ सके। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ने भी यूज किया है अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए, जहां पर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आई ऑफ एगोमोटो और बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को लेकर। यहाँ पर वो एक एप्पल को रीग्रो करते हैं और फिर उसे रॉट करते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के लॉस्ट पेजेस, जिन्हें काइसिलियस ने चुरा लिया था, उन्हें भी वापस ले आते हैं। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो से ही फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सीखते हैं टाइम लूप, जिसका वो यूज करते हैं डोरमामू को हराने में। ये तो था बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो का यूज हमारी एमसीयू की कॉन्टिन्यूटी में। व्हाट इफ में भी डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज इस बुक को पढ़ते हैं, और वहाँ पर तो वो मल्टीवर्सल लेवल मैजिक सीखते हैं, जो कि होता है पावर एब्जॉर्प्शन। इसी पावर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी को यूज करके वो ऐसे मिस्टिकल बींग्स जो कि अलग डायमेंशन से होते हैं, उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये बात तो हो गई हमारी बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की। अब बात करते हैं डार्क होल्ड की। डार्क होल्ड अभी तक हमें दिखी है वांडा विजन में एंड एजेंट्स ऑफ शील्ड में, पर दोनों जगह ही ये बुक अलग अलग है। डार्क होल्ड को बुक ऑफ सिंस, बुक ऑफ स्पेल्स एंड बुक ऑफ डैम भी कहा जाता है। ये बुक बनी है डार्क मैटर से फ्रॉम द हेल डायमेंशन। यहाँ पर अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एजेंट्स ऑफ शील्ड की स्टोरी, और यहाँ पर ये बुक काफी लोगों के पास से गई है। इस बुक को ढूंढने में लोगों ने कई साल लगा दिए, लेकिन फिर एक दिन ये बुक मिलती है जोसेफ एंड लूसी को, पर ये बुक उन्हें करप्ट कर देती है। और फिर ये सेम बुक हमें दिखती है एलिमोरो के पास, पर वहीं 2017 में ये बुक दिखती है आयडा एंड होल्डन रेडक्लिफ के पास, जो कि इस बुक को यूज करते हैं एक विजुअल वर्ल्ड बनाने में, जिसे वो नाम देते हैं फ्रेमवर्क। इसी फ्रेमवर्क के अंदर वो शील्ड के कुछ एजेंट्स को ट्रैप करके रखते हैं। वहीं अगर बात करें आयडा की, तो वो इस बुक को यूज करती है एक ह्यूमन को डार्क मैटर से फॉर्म करने के लिए, बट घोस्ट राइडर इस चीज को सेंस कर लेता है, और वो शील्ड के साथ मिलकर उस बुक को वापस लेकर चला जाता है हेल डायमेंशन में। अब यही सेम बुक अगाथा के पास दिखती है वेस्ट व्यू में, और वो इस बुक को यूज करती है अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करने के लिए, ताकि वो वांडा मैक्सिमोफ की रियलिटी को मैनिपुलेट कर सके विदाउट बीइंग नोटिस्ड। बट अगाथा हार्कनेस को हराने के बाद ये बुक हमें दिखती है वांडा के पास, जो कि अपने एस्ट्रल फॉर्म में इसे स्टडी कर रही होती है। इस बुक को हाई लेवल डार्क मैजिक से बनाया गया है, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें इनफाइनाइट नॉलेज है, और इस बुक के अंदर एक पूरा ऐसा चैप्टर है जो कि स्कारलेट विच पर डेडिकेटेड है, जिसे हम वांडा विजन में नोटिस कर सकते हैं। इसी इनफाइनाइट नॉलेज के साथ हमें इस बुक में कोई और चीज भी देखने को मिलती है, जैसे कि स्पेल्स, फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन, जिससे आप कुछ ऐसी मशीन्स भी बना सकते हो जो कि दूसरी डायमेंशन से पावर को हार्नेस कर सकती हैं, एंड इवन कोडिंग भी। ऐसा देखा गया है कि ये बुक बिना रीडर के ब्लैंक रहती है, और रीडर जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक के पेजेस उसे वही इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब विचेस जैसे कि अगाथा और वांडा इस बुक के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जब ये बुक अगाथा के हाथ में होती है, तब इसमें प्रोफेज होती है,
जिससे वो बिंग नहीं पढ़ सकते जो कि हेल डायमेंशन और अर्थ प्लेन में ट्रैप हैं। हालांकि वोंडा इसे एस्ट्रल फॉर्म में भी रीड कर पा रही थी। इस बुक के पास ये भी एबिलिटी है कि ये यूजर के माइंड को करप्ट कर सकती है, पर ये उसी के साथ देखा गया है जो कि इस बुक को काफी लंबे समय से यूज कर रहा हो। इस बुक की नेक्स्ट एबिलिटी ये है कि इस बुक के यूजर अगर मैजिक को प्रोसेस करता है तो उसकी मैजिकल एबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। डार्क होल्ड बुक का उन लोगों के साथ एक स्पेशल कनेक्शन होता है जो लोग डार्क डायमेंशन या फिर डार्क मैटर से बिलोंग करते हैं। इसी बुक को यूज करके काफी लोगों ने कई भयानक इन्वेंशन भी किए हैं, जैसे कि क्वांटम पार्टिकल जनरेटर, क्वांटम बैटरीज, इंटर डायमेंशनल गेट, लेजर कपलिंग ग्लव, क्वांटम ब्रेन, प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास। अब करते हैं कंपैरिजन। तो बुक ऑफ कैगलियोस्ट्रो ने कैसिलियस को एबिलिटी दी थी कि वो डार्क डायमेंशन से डोरमामू को अर्थ पर बुला पाया, एंड एंशिएंट वन ने इसी बुक को यूज करके अपनी लाइफ को भी एक्सटेंड किया था। इसके अलावा एमसीयू की कॉन्टिन्यूटी के अंदर इस बुक में कुछ खास नहीं दिखा। वहीं व्हाट इफ में बुक ऑफ कैगलियोस्ट्रो डॉक्टर स्ट्रेंज को पावर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वहां भी कुछ और नहीं दिखाया गया। वहीं डार्क होल्ड तो यूजर की मैजिकल एबिलिटीज को ही इनहेंस कर देती है अगर उसका यूजर पहले से ही कोई मैजिक प्रोसेस करता है तो। इसी के साथ वो एक इविल ऑब्सेशन भी कॉज करती है जो यूजर उसे यूज कर रहा है, और ऐसे बींग्स जो कि डार्क मैटर से कनेक्शन रखते हैं उनके साथ ये बुक एक स्पेशल कनेक्शन बनाती है। एंड ये भी मेंशन किया गया है कि इस बुक में इनफाइनाइट नॉलेज है, तो डार्क होल्ड के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। हो सकता है बुक ऑफ कैगलियोस्ट्रो के पास भी नॉलेज हो, बट वो हमें अभी बताया ना गया हो। बट फिलहाल प्रेजेंट की नॉलेज और फैक्ट्स को देखते हुए डार्क होल्ड डोमिनेट कर रही है, तो हमारे इस वर्सेस बैटल के विनर है डार्क होल्ड। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विद रीजन। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Music.